बलिया के उपनिबंधन कार्यालय में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक लड़की को कुछ लोग पकड़कर कार्यालय से बाहर खींचने लगे। फिर पकड़ो पकड़ो, मारो मारो और भागो भागो की आवाज आने लगी। उसी बीच एक लड़के को भीड़ तंत्र ने खूब पीटा। देश में भीड़ तंत्र पर मचे बवाल के बाद सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा, लेकिन भीड़ तंत्र को कौन समझाए जब चाहे निर्णय लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा लग रहा है मानो देश में कोई कानून नाम की चीज ही नहीं है। यकीन नहीं होता कि खुद देख लीजिए, बलिया कोतवाली क्षेत्र में यह रजिस्टर कार्यालय है जहां पर एक युवक को भीड़ की मौजूदगी में खूब पीटा और उसी भीड़ में से कोई इसकी वीडियो बना रहा था। दरअसल पूरा मामला सुखपुरा थाना क्षेत्र के भरतपुर गांव का है, जहां एक नाबालिग युवती अपने पड़ोस के लड़के के साथ परिवार के विरोध में शादी करने के लिए बलिया रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंच गई, जिसमें परिजनों की रजामंदी नहीं थी। फिर क्या था, दिलों को जोड़ने वाला एक कार्यालय युद्ध का मैदान बन गया। लड़की के परिजन लड़की को जबरदस्ती अपने साथ ले गए, साथ ही साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले यह युवक फरार हो गया। लेकिन लड़की के परिजनों ने आरोपी युवक का धर दबोचा और पूरी भीड़ में युवक को खूब पीटा, जिसमें युवक को काफी चोट भी आई। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पूरा रजिस्टर कार्यालय लोगों से खचाखच भरा था, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं था। मीडिया के कैमरे पर लड़की के परिजन ना पीड़ित पक्ष कुछ बोलने को तैयार हुआ, ना ही कोई लिखित तहरीर दी गई। सबसे बड़ी बात यह रही कि जब लड़की नाबालिग थी तो शादी कैसे हो रही थी। जब यह जानने की कोशिश की गई तो उप निबंधन अधिकारी भी कैमरे पर हलकाते और सिर हिलाते नजर आए। पता चला बाहर पता चला कि आप लोग घूस लेकर शादी अपने मन से की थी? कुछ नहीं, हम बिना बिना प्रमाण पत्र के बिना प्रूफ के आप लोग शादी कराते हैं यहाँ पे? कुछ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अगर वो नहीं ले गए होते तो 10 मिनट बाद वो अनबन फाइनल हो गया होता। नहीं ऐसी बात नहीं। बलिया उपनिबंधन कार्यालय में बिना प्रमाण पत्र के बिना नाबालिगों को शादी कराई जाती है? कोई नहीं। आपका नाम पता क्या है सर? नाम क्या, नाम का दीप नारायण पांडे। किस पद पे हैं? निबंधन नीति। ठीक।